ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अल्कॉफ जूनियर सिरप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो अल्कॉफ जूनियर सिरप मार्केट में आता है ये अल्केम कंपनी का आता है दोस्तों। 100 ml के बॉटल पैक में आता है दोस्तों। 100 ml का बॉटल पैक रहता है जिसकी कीमत है दोस्तों 76 रुपीज़ यानी 76 रुपये। तो दोस्तों ये जो अल्कॉफ सिरप मार्केट में आता है अल्कॉफ जूनियर, तो उसके इफ़ेक्ट यूजेस, इसके कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके तरीके क्या है, पूरी मालूमात पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन आइटम, ये डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर की चिट्ठी पे लेना है दोस्तों, अपने दिल से इसको नहीं लेना है दोस्तों। दोस्तों ये आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको फ्रीली मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अल्कॉफ जूनियर कप सिरप मार्केट में आता है, इसकी यूजेस यानी क्या चीज़ के लिए चलता है वो सबसे पहले देखेंगे अपन दोस्तों। तो दोस्तों इट इज़ अ कप सिरप, यानी आपको खांसी है, सर्दी है, खराज की तकलीफ़ है, या फिर कप से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, खांसी से रिलेटेड और कुछ भी तकलीफ़ है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता, यूज़ की जाने वाली दवा है दोस्तों अल्कॉफ जूनियर। या आपके छोटे बच्चे के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। दोस्तों आपके बच्चों को या फिर बड़े आदमी को खांसी है, खांसी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है दोस्तों, उसको रिकवर करना, उसको कंट्रोल करना, खांसी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये जो सिरप मार्केट में है ये आपकी खांसी को रिकवर करता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अल्कॉफ जूनियर कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल है, इट इज़ यूज़फुल इन द ड्राई कफ, आपके जो ड्राई कफ है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपको खांसी है, बार बार खांसी आती है, गले में खराज है, सर्दी की शिकायत है, तो उसके लिए ये यूज़ की जाने वाली दवा है दोस्तों। इसको लेने का तरीका दोस्तों, छोटे बच्चों को 2.5 ml से 5 ml जैसा ये है वो हिसाब से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है, बड़े आदमी को 10 ml ले सकते हैं दोस्तों दिन में 2 या 3 बार। तो दोस्तों ये जो अल्कॉफ जूनियर मार्केट में आता है, इसके कंटेंट के बारे में देखिए, इसके अंदर कौन सा कंटेंट है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर डेक्सट्रोमिथोफेन, फिनालेफ्रिन एंड CPM यानी क्लोरमफेनिरमाइन, तो दोस्तों 3 कंटेंट से बनी ये दवा है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है खांसी को रोकने के लिए, ड्राई कफ को रोकने के लिए। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं दोस्तों दवा लेने से। ये दवा लेने से दोस्तों आपको आपकी जान मचल सकती है, उल्टी जैसा हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखता है, कुछ दुष्परिणाम दिखता है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों आपको ड्राई कफ है, खांसी है, खांसी से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसको ले, बहुत बढ़िया दवा है दोस्तों खांसी को रोकने के लिए। दोस्तों ऐसे आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।